नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR Education में। और आज हम यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको जो टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ पर राजस्थान का, जब राजस्थान है उसका भौतिक स्वरूप, उसका हम पार्ट यहाँ पर एट आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर है वो मिलती और मिलती रहेगी। तो एट पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर 71 क्वेश्चन से करेंगे, ना कि 81 से। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं 71 क्वेश्चन से। तो आपने हमारी पुरानी वीडियो को जितना प्यार दिया उतना ही प्यार इसी वीडियो को भी दीजिएगा, उम्मीद यही आप सभी से। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पार्ट एट हम यहाँ पर शुरू करते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है मोहनगढ़ क्षेत्र एवं सूरतगढ़ का क्षेत्र, बे ऑप्शन है सरदारसर क्षेत्र एवं शेखावाटी क्षेत्र, श ऑप्शन है सिवाणा क्षेत्र एवं फलौदी का क्षेत्र, द ऑप्शन है मोहनगढ़ क्षेत्र एवं कोलायत का क्षेत्र। तो राइट आंसर दे ऑप्शन ए बी ए बे से या द। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ए है आपका मोहनगढ़ क्षेत्र एवं सूरतगढ़ का क्षेत्र, ब सरदारसर क्षेत्र चूरू एवं शेखावटी क्षेत्र सीकर, और सिवाणा क्षेत्र बालोत्रा एवं फलौदी क्षेत्र फलौदी, डी ऑप्शन द ऑप्शन मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं कोलायत क्षेत्र बीकानेर। तो राइट आंसर देते हैं ऑप्शन ए ब से या द। जो भी राइट आंसर आपका फटाफट हमें इसका राइट आंसर देके बताएं आपकी दृष्टि से इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। जो भी राइट आंसर है फटाफट हमें इसका राइट आंसर दे दें आपकी दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है बरखान एवं सीफ, ब ऑप्शन है परवलय एवं वनस्पति युक्त रेखीय, स ऑप्शन बरखान एवं पवन विमुख रेखीय, द ऑप्शन बरखान एवं परवलीय। तो राइट आंसर दें ऑप्शन ए ब स या द। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ए है बरखान एवं सीप, ब परवलय एवं वनस्पति युक्त रेखीय, स बरखान एवं पवन विमुख रेखीय, द बरखान एवं परवलीय। तो राइट आंसर दें ऑप्शन ए बी ए ब स या द। जो भी राइट आंसर कॉमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन ए ऑप्शन बे ऑप्शन सही है ऑप्शन द। तो राइट आंसर दे दें इसका। जो भी राइट आंसर है ए ऑप्शन बरखान एवं सीफ, ब परवलीय वनस्पति युक्त रेखीय, स ऑप्शन बरखान एवं पवन विमुख रेखीय, द ऑप्शन बरखान एवं परवलीय। तो राइट आंसर जो भी फटाफट राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपका। जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द बरखान एवं परवलीय। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्नांकित चोटियाँ यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हो चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम बताना है। ए ऑप्शन है खो नागपाड़ टाटगढ़ एवं बिराज, ब में टाटगढ़ खो नागपाड़ एवं बिराज, स नागपाड़ टाटगढ़ बिराज व खो, द टाटगढ़ नागपाड़ खो व बिराज। तो राइट आंसर करें ऑप्शन ए ब स या द। जो भी राइट आंसर फटाफट हमें इसका राइट आंसर देके बताएं आपकी दृष्टि से। जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें आपको इसका सही आंसर क्या लगता है आपकी दृष्टि से। जो भी राइट आंसर फटाफट हमें इसका राइट आंसर करके बताएं आपकी दृष्टि से इसका सही आंसर क्या हो सकता है। टाटगढ़ खो नागपाड़ व बिराज राइट आंसर कर दे जो भी है सही राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताएं, निम्ना की चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके आपको इसका सही राइट आंसर है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा टाटगढ़ खो नागपाड़ व बिराज, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आगे चलते हैं, महान सीमा भ्रंश में नहीं गुजरता क्या? नहीं, महान सीमा भ्रंश वो उदयपुर में से नहीं गुजरता है, या सवाई माधोपुर में से नहीं गुजरता है, या धौलपुर में से नहीं गुजरता है, या कोटा में से नहीं गुजरता है। तो राइट आंसर देखिए बताएं ऑप्शन ए ब स या। महान सीमा भ्रंश वो कहाँ से नहीं गुजरता? ए उदयपुर से, ब सवाई माधोपुर से, स धौलपुर से, द कोटा से। जो भी राइट आंसर है फटाफट हमें इसका सही आंसर करके बताएं आपकी दृष्टि से आपको इसका उचित आंसर है वो क्या लगता है। जो भी आंसर आपको सही लगे इसका फटाफट हमें इसका राइट आंसर दे दे और इसका सही राइट आंसर हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। जो भी आपको इसका आपको राइट आंसर इसका लगता है फटाफट हमें आंसर दे सकते हो आपकी दृष्टि से।
आपको इसका सही आंसर क्या लगता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मान इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बेसौरगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है, क्या कहलाता है? बेसौरगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है? ए है उपरमाल, ब है कंठल, स है टिब्बा, द है छप्पन। तो राइट आंसर क्या होता है? बेसौरगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है? ए उपरमाल, ब कंठल, स है टिब्बा, द छप्पन। तो राइट आंसर करके बता दें इसका सही राइट आंसर क्या होगा। आपकी दृष्टि से जो भी राइट आंसर है फटाफट हमें इसका राइट आंसर करके बता। बेसौरगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। जो भी राइट आंसर फटाफट राइट आंसर करके बताए इसका सही आंसर क्या होगा। आपकी दृष्टि से बेसौरगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश है वो क्या कहलाता है? ए उपरमाल, बी कांटल, सी टिब्बा, डी छप्पन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उपरमाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए पश्चिमी रेतीला मैदान 33 महासागर का अवशेष है, ब अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, स है दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, द सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर करके बताइए इसका सही राइट ऑप्शन ए ऑप्शन ब ऑप्शन स या ऑप्शन द। तो हमें इसका राइट आंसर करके बताए ऑप्शन ए व सही आता है। कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी रेतीला मैदानी 33 महासागर का अवशेष है, ब अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, स दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, द सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताएं इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन ए ब सही या द। जो भी राइट आंसर फटाफट हमें इसका राइट आंसर करके बताएं। जो भी इसका सही आंसर है गलत कथन क्या है सही आंसर करके बताएं इसका राइट आंसर जो भी हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्व मैदान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? बताएं। ए है बाबई, बैराट, नागपाड़ और बेरज। ब है नागपाड़, बेरज, बाबई और बैराट। स है बेरज, नागपाड़, बाबई और बैराट। द है बैराट, नागपाड़, बाबई और बेरज। राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आपकी दृष्टि से जो भी इसका सही आंसर हो फटाफट हमें इसका राइट आंसर देके बता सकते हो। आपकी दृष्टि से जो भी इसका उचित आंसर आपको लगता है हमें आंसर देके बताएं। कौन सा क्रम चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? तो बता दें। जो भी राइट आंसर आपकी दृष्टि से सही आंसर हो फटाफट राइट आंसर करके बताएं। चोटियाँ उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है तो बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। आपकी दृष्टि से जो भी यहाँ पर राइट आंसर हो फटाफट हमें इसका राइट आंसर दें। सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बे, नागपाड़, बैरज, बाबई और बैराट। नेक्स्ट आपके लिए निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनना है आपको। ए है खो, अचलगढ़, शेर, पीक, तारागढ़। ब है अचलगढ़, खो है तारागढ़, शेर, पीक और सी ऑप्शन है तारागढ़, खो है अचलगढ़, शेर, पीक। द है शेर, पीक, अचलगढ़, खो है और तारागढ़। राइट आंसर करके बताएं इसका राइट आंसर क्या है। जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आपकी दृष्टि से ऑप्शन ए ब स या द। जो भी राइट आंसर 78 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर करके बताएं इसका। जो भी राइट आंसर फटाफट राइट आंसर करके बता दें आपकी दृष्टि से जो भी सही आंसर हो। निम्नलिखित में पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम है वो बताना आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 78 नंबर क्वेश्चन है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका शेर, पीक, अचलगढ़, खोए और तारागढ़। दे ऑप्शन यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा यानी भौगोलिक क्षेत्र और जिले वो सही सम्मिलित नहीं है आपको बताने। ए ऑप्शन बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में, कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में, स उपरमाल पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। तो इसका राइट आंसर करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। सही सम्मिलित नहीं है वो बताना आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जो भी राइट आंसर फटाफट हमें इसका राइट आंसर देखिए बताएं आपकी दृष्टि से इसका सही आंसर है वो क्या होगा। जो भी राइट आंसर फटाफट राइट आंसर करते हैं आपकी दृष्टि से ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बोराट का पठार। ए ऑप्शन ये सम्मिलित नहीं है, चित्तौड़गढ़ में ना होकर ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में, उदयपुर राजसमंद में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डंग गंगा
गंगाधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? ए बांगड़ प्रदेश में, बे छप्पन का मैदान, से दक्षिण आड़ूति क्षेत्र, द है बनास बेसिन क्षेत्र। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपका। डंग गंगाधर उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी या डी जो भी राइट आंसर बता दें। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर दक्षिणी आड़ूति क्षेत्र। सब तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, हमारा पार्ट है वो 8 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 9 पार्ट में आप सभी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।